नमस्कार। विक्रम संवत 2079 जो कि दिवाली 2022 से स्टार्ट होगा और दिवाली 2023 तक रहेगा, वह हमारी सभी 12 राशियों को किस तरह का फल देगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको जानना हो कि आपका इंडिविजुअल ईयर किस तरह से रहने वाला है तो आपको किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछना चाहिए, क्योंकि आपकी महादशा, अंतरदशा एवं ग्रहों की डिग्री को देखने के बाद ही सुनिश्चित तौर पर फलादेश किया जा सकता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वह ओवरऑल आपका टाइम कैसा रहेगा उसके बारे में बात की जा रही है। उसमें भी हमारे जीवन के जो 4 मुख्य आधार स्तंभ है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और एजुकेशन, उसके बारे में ही यहाँ पर संक्षिप्त में बात की जाएगी। यहाँ पर हम वैदिक साइडिलियर राशि के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी याद रहे। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के लिए, और हेल्थ में आपका ये टाइम एवरेज टू गुड रहेगा। अगर कोई पुराना डिसीज़ आपको परेशान कर रहा है तो इस विक्रम संवत में उसकी दवाई आपको मिल जाएगी या फिर शस्त्रक्रिया के द्वारा उस डिसीज़ को दूर किया जाएगा। बिटवीन मार्च टू जून थोड़े बहुत हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और वो भी ENT रिलेटेड, अन्यथा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक बात और याद रहे कि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखा और फूड इनटेक को अगर आपने ध्यान में रखा तो डाइजेस्टिव रिलेटेड जो डिसीज़ है वो भी आपको नहीं होगे। इस साल भाग्य का साथ आपको मिलेगा। पुराने जो डिसीज़ ऑलरेडी आपको परेशान कर रहे हैं वो इस साल नहीं रहेंगे और नए डिसीज़ कोई नहीं होगे, तो ओवरऑल आपका एक अच्छा टाइम चल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आपको संवेदनशील रहना पड़ेगा और हमारी सलाह है कि आपको आइदर मेडिटेशन, योगा या फिर माइंडफुलनेस की कोई टेक्निक का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आपको मानसिक रोग होने की संभावना ज़्यादा है, फिजिकल डिसीज होने के चांसेस कम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए यह टाइम गुड टू बेटर रहेगा। अगर आप योग्य और अयोग्य का विचार करने में समर्थ रहे, किस जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसके प्रति आपकी वफादारी होना चाहिए, अगर वो आपने ध्यान में रखा तो ये समय, आने वाला ये विक्रम संवत आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला रहेगा। उसमें भी अगर हम जब ध्यान में देखते हैं तो अगर आप कैलकुलेटिव रहे तो अप्रैल ऑनवर्ड्स का जो टाइम है वह टाइम ऑफ योर लाइफ होगा। आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, सैलरी राइज भी होगी और अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो लॉट्स ऑफ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आर्ट, एंटरटेनमेंट और स्पेकुलेशन रिलेटेड बिजनेस में अगर आप हो तो इस साल आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है, उस तरह के ग्रहों का निर्माण हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये टाइम गुड टू बेटर रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग टाइम रहेगा। टिल अप्रैल आपके पार्टनर्स के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं और उसके कारण एक तरह का तनाव बना रहेगा। हमारी सलाह है आपको कि आपको अपना मन मोटा रख के, ब्रॉड माइंड रख के चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। जो आपका क्लोज फैमिली सर्कल है उसमें मतभेद होने की संभावना है। हालांकि अप्रैल के बाद का जो टाइम है आपका वो बहुत ही अच्छा टाइम है और उसमें आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा और मीनिंगफुल रिलेशनशिप स्टार्ट होगी। अगर आप अविवाहित हो तो मार्च के बाद आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन आपका शुरू होगा। अगर आप संतान के लिए प्रयत्नशील हो तो अप्रैल के बाद का जो टाइम है उसमें आपको सुनिश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय शुभ रहेगा। अगर आप
साइंस या इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इच्छित परिणाम सुनिश्चित तौर पर प्राप्त होगा। अगर आप कॉमर्स या बिजनेस रिलेटेड अभ्यास कर रहे हो तो आपको 10% एफर्ट्स ज़्यादा देने होंगे। अगर आप मेडिसिन या फार्मा में पढ़ाई कर रहे हो तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम इस साल आपको सुनिश्चित मिलेगा। लेकिन अगर आप आर्ट्स या अदर काइंड ऑफ लाइन में अभ्यास कर रहे हो तो हमारी सलाह है कि आपको 20% एफर्ट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, तब जाके आपको इच्छित परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहे हो, तो मार्च के बाद का जो टाइम है उस टाइम में आपको सुनिश्चित सफलता मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। वृषभ राशि की हेल्थ के लिए ये अति शुभ समय रहने वाला है। इस साल आपको चिंता की कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पुराने डिसीज भी चल रहे हैं तो उसमें दवाई आपको मिल जाएगी, आपको राहत मिलेगी और नए कोई डिसीज होने की संभावना इस साल नहीं लग रही है। उसमें भी टिपिकल मेडिकल लाइंस को फॉलो न करते हुए अगर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन के प्रति जाओगे, आयुर्वेद को पकड़ोगे या होम्योपैथी की दवाइयाँ लोगे या फिर योग या मेडिटेशन का सहारा लोगे तो उस तरह की ऑल्टरनेट मेडिसिन से आपको ज़्यादा लाभ होगा। बिटवीन मार्च और जून माइनर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और उसमें भी ENT रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, अन्यथा ये पूरा विक्रम संवत आपको शुभ परिणाम देगा। वेल्थ के लिए यह समय आपका गुड टू एवरेज रहेगा। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, वह कला शायद आपको इस साल उसके बारे में वो डिकोड करने में शायद आप सफल न हो पाओ, एंड दैट्स वाई आपको लगेगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथों से चली गई। लेकिन अप्रैल के बाद का जो टाइम है वह टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। किसी की सलाह को फॉलो करके आपको अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज आप देखोगे कि उस पर बहुत भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, आपको आपका जो एटीट्यूड है इन्वेस्टमेंट के प्रति वह लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। स्पेकुलेशन के लिए इस साल कोई गुंजाइश नहीं है। आप अगर सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो इस साल आपको प्रमोशन सुनिश्चित मिलेगा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को अपने ऊपरियों से कोई समस्याएं होगी और थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप के लिए यह समय चैलेंजिंग टू एवरेज रहेगा। अगर आपने फॉरगिवनेस का एटीट्यूड नहीं रखा और अगर पिछले कई समय से कुछ आर्ग्यूमेंट से जो आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं अगर उनको आपने सही तरह से एड्रेस नहीं किया तो हो सकता है कि इस विक्रम संवत में शायद आपकी वह रिलेशनशिप पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं चल रही है और अगर आपने उसको अप्रैल तक एड्रेस नहीं किया तो शायद डिवोर्स की भी बात आ सकती है। पारिवारिक बीमारियों के कारण भी आपको एक तरह का टेंशन बना रहेगा। अगर आपको संतान विषय कोई समस्या है तो उसमें राहत मिलने का जो समय है वह समय है जुलाई टू सितंबर। इतना ही नहीं, अगर आप सिंगल हो और जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो तो मार्च तक का जो समय है, मार्च 2023 तक का जो समय है, उस समय तक आपको सफलता मिलने के चांसेस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही एवरेज है। यू शुड नॉट रिलाई ऑन योर लक, नाइदर यू शुड रिलाई ऑन अदर्स। आपको जो इच्छित परिणाम चाहिए उस परिणाम में अगर आपने 20-30% ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए तो शायद इस साल आपके फेल होने की भी नौबत आ सकती है। तो इस साल आपको सजग होके ज़्यादा स्टडी करने का विक्रम संवत है ये। अगर आप साइंस में या इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो
तो आप जितना एफर्ट्स करोगे उतना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो या फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में हो तो आपको 10% एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर आप कॉमर्स में या बिजनेस में स्टडीज़ कर रहे हो तो आपको 20-30% ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और अगर आप आर्ट्स और अन्य कोई वैकल्पिक स्टडीज़ में अभ्यास कर रहे हो तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम आपको सुनिश्चित मिलेगा। एक बात तय है कि इस साल आप नसीब के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस साल आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्टडी लोन के लिए या फिर अगर वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो शायद इस साल आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिले। तो हमारी सलाह है कि इस साल आपको थोड़ा सजग होके काम करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन राशि के हेल्थ के लिए यह समय चैलेंजिंग टू गुड रहने वाला है। अप टू मार्च 2023 तक का जो टाइम है वह आपको थोड़ी बहुत चैलेंजिंग देगा। उसमें भी अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसमें शायद कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा आप देखोगे कि आप जो मेडिसिंस का सहारा ले रहे थे अचानक वो मेडिसिंस कम हो गई, आपकी तबीयत सुधरने लगी है और किसी वैकल्पिक दवाइयों के कारण आपके जीवन में नवसंचार हुआ है। सो ओवरऑल अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी हार्ट रिलेटेड डिसीज़ या किडनी रिलेटेड डिसीज़ से परेशान हो तो हमारी सलाह है कि इस साल आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। और अगर एग्जिस्टिंग कोई ऐसे डिसीज़ नहीं भी है तो हमारी सलाह है कि आपको जनवरी या फरवरी में अपना पूरे के पूरा बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, शायद ऐसा कोई डिसीज़ है जो आपके अंदर है और उसके बारे में आपको पता नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज सही होता है कि डिसीज़ हमको हिट करे उससे पहले उसकी दवाई की जाए। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। तो सेफ रहकर आपको चलने वाला यह साल रहेगा। अगर आपने अप्रैल तक अपनी हेल्थ को संभाल ली तो एक बात तय है कि अप्रैल के बाद कोई बड़े कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए जो टाइम है वह गुड टू बेटर है। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपको इस साल लॉट्स ऑफ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इतना ही नहीं, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में पैसा रोकने के लिए या आपके स्टार्टअप्स में कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला मिल जाएगा और बिजनेस को नई ऊंचाइयां मिलेगी। आप सुनिश्चित देखोगे कि इस समय के दौरान आपके टर्नओवर में और आपके प्रॉफिट में इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो अप्रैल के बाद का जो समय है उस समय में आपको प्रमोशन भी मिलेगा और इच्छित पद की प्राप्ति होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो अप टू फरवरी का जो टाइम है, फरवरी 2023 तक का जो समय है वह थोड़ी बहुत ट्रगल आपको देगा, लेकिन उसके बाद का समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस साल आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक बात तय है कि इस विक्रम संवत के दौरान आपके घर में किसी न किसी तरह का शुभ प्रसंग होगा और उसके कारण आइदर कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगा या आपको लोन लेनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो या मीडिया में बिजनेस कर रहे हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो तो ये साल आपको अकल्पनीय लाभ देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहने वाला है। अप टू फरवरी का जो टाइम है उस समय के दौरान आपको अगर आपके जीवन साथी के साथ या आपके पार्टनर के साथ आपके मतभेद चल रहे हैं तो वो मतभेद बहुत ही सरफेस पर आ जाएंगे और बहुत बड़ी दिक्कत सामने आएगी। हमारी सलाह है कि आपको इस साल चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, समय जाते हुए सब ठीक हो जाएगा यह मान के बैठना नहीं चाहिए।
यू शुड टेक इनिशिएटिव एंड यू शुड एड्रेस इश्यू, अदरवाइज चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएगी। मैरिज के लिए अगर आप सिंगल हो और मैरिज के लिए प्रवृत्त हो, या फिर आप संतति के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो इस साल आपको लग्न योग के लिए या संतान प्राप्ति के लिए अप्रैल के बाद का जो समय है वो बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। संतान विषयक शुभ समाचार आपको इस साल सुनिश्चित मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जो भी मतभेद चल रहा है वो अगर आप रिजॉल्व कर लोगे अप्रैल तक, तो बाकी का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय एवरेज टू गुड रहेगा। कम मेहनत से ज़्यादा लाभ देने वाला यह समय रहने वाला है। अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो आप जितना एफर्ट डालोगे उससे 20% रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप कॉमर्स बिजनेस में हो या कॉमर्स रिलेटेड कोई लाइन में अभ्यास कर रहे हो कॉमर्स और बिजनेस में, तो आप जितनी एफर्ट्स डालोगे उससे 10% रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ रहे हो, तो आप जितने एफर्ट डालोगे उससे 30% मोर एफर्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप मेडिसिन्स में हो, मेडिकल फील्ड में हो या फार्मास्यूटिकल फील्ड में हो, तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम सुनिश्चित तौर पर आपको मिलेगा। अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो, या अगर आपके फैमिली में कोई अगर फॉरेन स्टडीज़ के लिए सोच रहा है, तो अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। आपको इस साल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ओवरऑल एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ राशि, कर्क राशि। कर्क राशि के हेल्थ के लिए यह समय टाइम टू बी अटेंटिव रहने वाला है। आपको सजग रहना पड़ेगा। अगर आपने चीज़ों को एड्रेस नहीं किया, तो शायद इस विक्रम संवत के बाद हो सकता है कि आपको परमानेंट किसी गोली लेनी पड़े, परमानेंट किसी मेडिसिन लेनी पड़े, या फिर आपको किसी शस्त्रक्रिया से जाना पड़े, उस तरह के योग बन रहे हैं। तो इस साल अप टू फरवरी आप चीज़ों को लाइटली ले भी सकते हो, लेकिन फरवरी के बाद का जो टाइम है उन टाइम में आपको रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इत्यादि होने के प्रबल चांसेस है। आपको मेडिटेशन, योग या अन्य माइंडफुलनेस की टेक्निक का अभ्यास इस साल अवश्य करना चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ अपने नसीब के भरोसे रहे, तो एक बात तय है कि यह विक्रम संवत ख़त्म होते होते आपको परमानेंटली कोई गोली लेनी पड़ेगी, उस तरह के ग्रह योग निर्माण हो रहे हैं। स्किन डिसीज होने के चांसेस भी आपको जुलाई के बाद है। सो ओवरऑल यू कैन रिलाई ऑन योर लक एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न। रेगुलर चेकअप करवाना आवश्यक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए यह समय जो है वह एवरेज टू गुड रहने वाला है। अप टू अप्रैल तक का जो समय है वह थोड़ा बहुत एवरेज रहेगा, लेकिन जैसे ही मई का मास आएगा, आप सडनली ये देख पाओगे कि जैसे कि आपके नसीब के सामने जो बादल था वो हट गया। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। अगर आप किसी कंसल्टेंसी वाले व्यवसाय में हो, या आप लिक्विड या सी कार्गो या एक्सपोर्ट इंपोर्टर रिलेटेड आप बिजनेस कोई कर रहे हो, या फिर आपका व्यवसाय विदेशों के साथ है, तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब वालों को सेकंड हाफ में सुनिश्चित तौर पर प्रमोशन मिलेगा। अगर आप प्राइवेट फील्ड में हो और जॉब कर रहे हो, तो भी आपको इस साल इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो समय है वह समय आपको थोड़ा बहुत सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय के दौरान शायद किसी की सलाह आप फॉलो करो और आपको फाइनेंशियल लॉस हो, उस तरह के ग्रह योग बन रहे हैं। ओवरऑल वेल्थ के लिए यह विक्रम संवत बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। रिलेशनशिप के लिए यह समय जो है वह गुड टू बेटर रहेगा। अप टू
फरवरी का जो टाइम है 2023, तब तक लाइफ में कोई तनाव रह सकते हैं संबंधों को लेकर, लेकिन उसके बाद का जो समय है वह समय बहुत ही अच्छा है। इतना ही नहीं, अगर आप अविवाहित हो और जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो अप टू जुलाई वह योग बहुत ही प्रबल है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। अगर आपके फैमिली में किसी न किसी तरह की अनबन चल रही है तो इस विक्रम संवत के दौरान किसी फैमिली गैदरिंग के निमित्त से वह अनबन दूर होगी और अच्छी तरह से आपका जो फैमिली सर्कल है वह एनहांस होगा। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी और जुलाई ऑनवर्ड्स उसमें आपको अच्छे समय की प्राप्ति होगी। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए आप एक बेटर टाइम में जा रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय वेरी गुड है। जो आपने सोच के रखा था बहुत समय से, वह इस विक्रम संवत के अंदर चरितार्थ होता हुआ आप देखोगे। आप जितनी एफर्ट्स करोगे उससे ज़्यादा परिणाम की प्राप्ति आपको होगी। उसमें भी अगर आप आर्ट्स, बिजनेस या साइकोलॉजी जैसे विषयों में हो तो आप 30% एफर्ट्स करोगे तो भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। हालांकि जो साइंस फील्ड में है, इंजीनियरिंग में है या फिर मेडिसिंस में है, उनके लिए भी वो जो एफर्ट करेंगे उससे 20-30% उनको परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। सो यू कैन रिलाय ऑन योर लक ऑन दिस विक्रम संवत। विदेश गमन के लिए अगर आप प्रयत्नशील हो पढ़ाई के लिए तो अप टू मे आपका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आपके फैमिली में कोई ट्राई कर रहा है विदेश गमन में स्टडीज़ के लिए तो उनके लिए भी मई के बाद का जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय है। उच्च अभ्यास के लिए अगर आप प्रयत्नशील हो तो अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। ओवरऑल एजुकेशन के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ राशि, सिंह राशि। उनके हेल्थ के लिए ये जो समय रहने वाला है वह गुड टू बेटर रहेगा। अगर लाइफस्टाइल में आपने चेंज ला दिया तो अगर आपको एग्जिस्टिंग कोई डिसीज़ भी है तो उसमें से आपको मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। पुराने रोगों से समाधान और नए कोई रोग होगे ही नहीं, उस तरह का विक्रम संवत अब आने जा रहा है। आपको शस्त्र क्रिया से इस साल दूर रहना चाहिए। अल्टरनेट मेडिसिंस या योग या माइंडफुलनेस या मेडिटेशन, आयुर्वेद, होम्योपैथी जैसी चीज़ों का सहारा लीजिए और जितना हो सके उतना आप सर्जरी से दूर रहिए, क्योंकि अगर आपने सर्जरी करवाई तो इस विक्रम संवत में कॉम्प्लिकेशंस आने की पूरी संभावना है। इस साल यू कैन रिलाय ऑन योर लक एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। सो लाइफस्टाइल में चेंज लाओ और आप देखोगे कि आपको नसीब साथ दे रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। बेटर टू बेस्ट या अति शुभ समय आने जा रहा है। उसमें भी जब हम ज़्यादा जूम करते हैं तो अप्रैल के बाद का जो टाइम है वह काइंड ऑफ ए आपको राजयोग देने वाला समय है। जिस समय के लिए या जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वह सब चरितार्थ होती हुई आप देखोगे आने वाले समय में। व्यावसायिक लाभ होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। आपके प्रॉफिट में या आपके टर्नओवर में बहुत ही इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता हुआ भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, नौकरी वालों को भी, आइदर यू आर इन प्राइवेट सेक्टर और यू आर इन ए गवर्नमेंट सेक्टर, मार्च के बाद आपको प्रमोशन एवं सैलरी में राइज मिलता हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको किसी के कहने पर
बिटवीन मार्च टू जून इन्वेस्ट नहीं करना है, अन्यथा एक तरह का आंशिक या मीडियम आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना हो रही है. सो बिटवीन मार्च टू जून यू शुड बी कॉशियस, और किसी व्यक्ति की सलाह को ब्लाइंडली फॉलो मत करना एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न. तो यह विक्रम संवत आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला रहेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप. और रिलेशनशिप के लिए ये जो समय है वह अति शुभ है, गुड टू बेटर वाला टाइम आएगा. आप देखोगे कि इस समय के दौरान आपके फैमिली में पारिवारिक प्रसंग होने जा रहे हैं, फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलेगा. इतना ही नहीं, अगर कोई फैमिली में एग्जिस्टिंग कोई आर्ग्यूमेंट वाली एटमॉस्फियर हो रखी है तो आप देखोगे कि उसमें आपको रिजोल्यूशन मिलेगा और समाधान मिलेगा. अगर आप सिंगल हो और शादी के लिए प्रवृत्तिशील हो तो मार्च के बाद का जो टाइम है वह टाइम आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति करवाएगा. अगर आप ऑलरेडी विवाहित हो और अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं बिटवीन यू एंड योर पार्टनर तो इस साल उसमें आपको समाधान मिलेगा. आपका सोशल सर्कल इस साल पक्का बढ़ेगा और रिलेशनशिप भी मीनिंगफुल होगी, यह तय है. अगर आप संतान के लिए प्रयत्नशील हो तो इस साल आफ्टर मार्च आपको सफलता मिलेगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन. एजुकेशन के लिए ये समय एवरेज टू गुड है. अप टू फेब्रुवरी का जो टाइम है वह टाइम ऐसा रहेगा कि मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट. लेकिन उसके बाद का जो समय है वह ऐसा समय रहेगा कि आप जितना एफर्ट्स डालोगे उससे थोड़ा कम रिजल्ट आपको मिलेगा. अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में अभ्यास कर रहे हो तो आपको 10% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे. अगर आप कॉमर्स या बिजनेस में अभ्यास कर रहे हो तो आप जितना एफर्ट्स डालोगे उतना परिणाम आपको प्राप्त होगा. अगर आप आर्ट्स या फिर अन्य तरह के अनयूजुअल एजुकेशन फील्ड में आप अगर अभ्यास कर रहे हो तो आपको 20% ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. अगर आप उच्चतर अभ्यास के लिए प्रवृत्तिशील हो, दैट मीन्स आइदर यू आर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और योर PhDs, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और उसमें भी सफलता मिलेगी आपको जुलाई के बाद. अगर आप परदेश स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो स्टडीज़ के लिए, तो आपको अप्रैल के बाद के जो टाइम आ रहा है उस टाइम में आपको सुनिश्चित सफलता मिलेगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ राशि, कन्या राशि. आपको आपके हेल्थ के लिए ये जो टाइम है वह टाइम चैलेंजिंग रहने वाला है, और हमारी सलाह है कि ये समय आपके भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते. आपको रेगुलर फॉलोअप्स लेने होंगे. अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीज़ है और अगर आपने उसको इग्नोर किया तो उस डिसीज़ के कारण आपको लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. उसमें भी अगर आपको अगर कोई हार्ट डिसीज़ है या फिर किडनी रिलेटेड डिसीज़ है आपको, तो वो ज़्यादा एग्रीगेट इस साल हो सकता है. स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड इंजरीज होने की भी संभावना है. जुलाई के बाद ग्रह योग इस तरह के बन रहे हैं कि आपको राहत मिलेगी, लेकिन ओवरऑल आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, यह तय है. वेल्थ के लिए ये जो समय है वह समय एवरेज टू गुड रहेगा. शुरू में ये विक्रम संवत जब शुरू होगा तब से, दैट मीन्स दिवाली से लेकर फरवरी तक का जो टाइम है वह टाइम आपको ज़्यादा लाभ देने वाला होगा. लेकिन मई के बाद आप देखोगे कि आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ रहा है. अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपको लाभ होगा, ये बात तय है. लेकिन अगर आप जॉब में हो या फिर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में हो तो इस साल आपको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. प्रमोशन आपका
एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होगा यह तय है। इतना ही नहीं, अगर आपको सैलरी राइज नहीं मिला और आपने एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब लेने के लिए अगर आप गए, तो जो पहली जॉब थी उससे भी ख़राब जॉब दूसरी रहने वाली है। सो दिस इज़ नॉट द ईयर वेयर यू शुड थिंक अबाउट चेंजिंग योर जॉब। जो है वहाँ पर रहकर अपने आप को सस्टेन करने का यह समय है। अगर आप विदेश के साथ कोई व्यापार कर रहे हो तो आपको पेपर वर्क बहुत ही सॉलिड रखना पड़ेगा, अदरवाइज लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हुए भी इस साल दिख रहे हैं। ओवरऑल आपको इस साल एवरेज लाभ और ज़्यादा एफर्ट, उस तरह का समय रहने वाला है। रिलेशनशिप के लिए ये समय जो है वह एवरेज रहेगा। अगर आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी को, आइदर इन ए फॉर्म ऑफ ए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स, तो आपके जो भी संबंध थे उसमें ज़्यादा दरार आएगी। हमारी सलाह है कि आपको जिसके साथ आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं उन उसके साथ आमने सामने बैठ के, ओवर द टेबल बैठ के चर्चा विचारणा करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। आपको थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है और अगर उसको आपने एड्रेस नहीं किया मार्च या अप्रैल तक, तो शायद डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। अनमैरिड अगर आप हो और अगर आप लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो, तो मार्च से लेकर जुलाई तक का जो समय है वो समय बहुत ही अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए नवंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का समय अच्छा रहेगा। अगर पूरे साल को देखने जाए रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, तो बिगिनिंग बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मिडल में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी और एंड जो है वो ज़्यादा ही चैलेंजिंग रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए ये जो समय है वह बैड टू एवरेज रहने वाला है। यू शुड नॉट रिलाई ऑन योर लक, एक बात तो तय है। आप जो भी एफर्ट्स डालोगे उसके मैक्सिमम 70-80% ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने ये मान के आपने एफर्ट्स डाले एजुकेशन में कि चलो पासिंग मार्क आ जाएगा चलेगा, तो हमारी आपको चेतावनी है कि शायद आप फेल भी हो जाओ। अगर आप साइंस या एजुकेशन फील्ड में हो तो आपको 40% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। अगर आप कॉमर्स या बिजनेस में हो एजुकेशन में, तो आपको 30% ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप आर्ट्स में हो तो आपको 10% ज़्यादा रिजल्ट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको इच्छित परिणाम की प्राप्ति होगी। उच्च अभ्यास के लिए अप टू मार्च का टाइम अच्छा है। अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो, तो प्रॉपर पेपर वर्क न होने के कारण आपके वीज़ा में विलंब हो सकता है और उसके कारण आपका पूरे का पूरा एक साल बर्बाद हो सकता है। तो हमारी सलाह है कि आपको पेपर वर्क बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेवंथ राशि, तुला राशि। तुला राशि के लिए हेल्थ के लिए यह समय बैड टू एवरेज रहेगा। दिवाली से लेकर जनवरी तक का जो समय है वह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो आप देखोगे कि अचानक वह ज़्यादा ही एग्रीगेट हो गया, और अगर आपने किसी डिसीज़ को इग्नोर किया हुआ है तो उस इग्नोर किया हुआ जो डिसीज़ है वह सरफेस पर आएगा और उसके कारण आपको सर्जरी भी तुरंत करवानी पड़े वैसा हो सकता है। लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज़ लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसके कारण हार्ट प्रॉब्लम होता हुआ भी इस साल दिख रहा है। सो आपको अप टू मई कुछ ज़्यादा ही संभाल के रहना होगा। मई के बाद का जो समय है वह थोड़ा बहुत आपको शांति देगा, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए यह विक्रम संवत आपको चिंता में ही रखेगा। उसमें भी
मार्च से लेकर सितंबर का जो टाइम है वह पूरे के पूरे 6 महीने गिरने से या चोट लगने से आपको फ्रैक्चर भी हो वैसा योग दिखा रहा है, तो हमारी सलाह है कि आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ इस विक्रम संवत में नहीं करनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये जो समय है वह समय एवरेज टू गुड रहेगा। फरवरी तक का जो समय है वो थोड़ी बहुत चैलेंजेस देगा, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो इतना अच्छा है कि आप जो आयोजन करोगे, प्लानिंग करोगे उसके बाद, उसके रिजल्ट्स आपको लॉन्ग लास्टिंग या सालों तक मिलेंगे। प्रॉपरली अगर आपने प्लानिंग करके एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर अगर इस साल का उपयोग किया तो फरवरी के बाद का जो समय है वह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो ये समय आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ देगा और चारों तरफ से लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आप जॉब में हो तो आपकी शायद आपके बॉस के साथ कोई अनबन हो और उसके साथ जिस तरह का प्रमोशन या सैलरी राइज आपको मिलना चाहिए वो न मिले, तो हमारी सलाह है कि इस साल आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं गिरना चाहिए। एक बात तय है कि इस विक्रम संवत में आपको अननेसेसरीली लोन्स भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोन्स लोगे इस समय के दौरान तो शायद आप उसका जो भुगतान है लोन का वह जो टाइम लिमिट है उसमें न कर पाओ और उसके कारण आपके जो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसमें शायद गिरावट भी हो। अगर आप रेस्टोरेंट, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री या किसी ग्लैमरस फील्ड में हो या लग्जूरियस आइटम्स में अगर आप काम कर रहे हो तो यह विक्रम संवत आपको बेस्ट टाइम देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय गुड टू बेटर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने ही संभालना है। उसके अलावा आपका समय इतना अच्छा चल रहा है कि आप जो भी एफर्ट्स डालोगे उससे ज़्यादा परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में अभ्यास कर रहे हो तो आपको सिर्फ 10% ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एल्स किसी भी लाइन में आप हो, आप कॉमर्स में हो, बिजनेस में हो या आर्ट्स में हो, उन सभी लाइनों में आप जितनी एफर्ट्स डालोगे उससे ज़्यादा परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हमारी सलाह है कि आपको वो एप्लीकेशन आफ्टर मई डालनी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए एवं फर्दर स्टडीज़ के लिए यह विक्रम संवत बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8th राशि, वृश्चिक राशि। हेल्थ के लिए यह समय गुड टू एवरेज रहेगा। दिवाली से लेकर मई तक का जो समय है वह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन मई से लेकर नेक्स्ट दिवाली 2023 तक का जो समय है उसमें आपको किसी न किसी तरह के हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस होते रहेंगे। हालांकि ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको सर्जरी करवानी पड़े, लेकिन एक तरह की चिंता अवश्य बनी रहेगी। ओवरऑल यू कैन रिलाई ऑन योर लक, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डिसीज है वो आपको दिक्कत देंगे। आपको ओवर एग्जर्शन या फिर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आपको समस्या होने वाली है वह उसी के कारण होने वाली है। लाइफस्टाइल अगर आप रेगुलर रखोगे, फूड इनटेक को ध्यान में रखोगे और लिटिल बिट एक्सरसाइज करोगे तो ये समय जो है वह समय बहुत ही अच्छी तरह से आपका व्यतीत होगा। लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए जो समय है वह समय बेटर टू बेस्ट है। आप जो भी करोगे इस विक्रम संवत में उस सब में आपको लाभ होगा। शायद ये हो सकता है कि आप लॉजिकली कोई रॉन्ग डिसीजन भी ले लो, फिर भी जब आप देखोगे तो उस डिसीजन के कारण आपको लाभ ही हुआ होगा।
यू कैन रिलाई ऑन योर लक एज फार एज वेल्थ इज कंसर्न। इतना ही नहीं, आप दूसरों के बिहाफ पर भी डिसीजन लेने में समर्थ हो पाओगे इस साल। आपको बिजनेस में नई ऊंचाइयां प्राप्त होती हुई दिखेगी आफ्टर अप्रैल। अगर आप जॉब में हो तो इस साल अप्रैल के बाद आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपकी सैलरी में राइज भी होगा। अगर आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हो तो इस साल डेफिनेटली जो पद आपको चाहिए वह पद आपको प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट से आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ होगा इस विक्रम संवत में, यह तय है। अगर आपके जन्म के ग्रह अच्छे हैं तो इस साल आपको विनफॉल गेन दैट मीन्स लॉटरी से भी लाभ मिल सकता है। स्पेक्यूलेशन के लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए ये जो समय है वह समय एवरेज टू गुड रहेगा। आपका समय दिवाली से लेकर अप्रैल तक का जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा डिस्प्यूट इस समय के दौरान अवश्य नहीं होगा, और अगर कोई पिछले समय में डिस्प्यूट है तो आश्चर्यवत होकर आप देखोगे कि उसमें रिजोल्यूशन भी आ गया। जहाँ से समाधान की कोई गुंजाइश नहीं थी वहाँ से भी समाधान आता हुआ आप देखोगे। सिर्फ और सिर्फ जुलाई से लेकर नवंबर का जो टाइम है उस समय के दौरान आपको थोड़ा बहुत सजग रहना होगा। अदरवाइज आपके बोलने के कारण आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका मतभेद हो और एक तरह का मन दुख हो, उस तरह के प्रसंग भी हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हो और जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो दिवाली से लेकर अप टू मई का जो टाइम है वह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस साल आपका सोशल सर्कल एनहांस होगा, मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी, यह तय है। अगर आप संतति के लिए प्रयत्नशील हो तो भी फर्स्ट आप जो है विक्रम संवत का उसमें ही आपको सुनिश्चित लाभ होगा। इस विक्रम संवत के दौरान बहुत बड़ा फैमिली गैदरिंग होता हुआ भी दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए जो टाइम है वह बेटर टू बेस्ट टाइम है। अगर मुझे सलाह देनी हो तो मैं सलाह ये दूंगा कि यू शुड यूज दिस विक्रम संवत। इस समय के दौरान आप जो भी एग्ज़ाम में लाभ दोगे, जो भी एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करोगे, उन सब में मिनिमम एफर्ट्स डालोगे फिर भी आपको सुनिश्चित लाभ होगा। कम मेहनत और ज़्यादा लाभ, इस तरह के ग्रह योग बन रहे हैं। उच्चतम अभ्यास के लिए एवं विदेश यात्रा के लिए भी अप टू मई का जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप किसी भी फील्ड में अभ्यास क्यों ना कर रहे हो, आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा ही परिणाम आपको मिलेगा, यह तय है। स्कॉलरशिप के लिए भी मई 2023 के बाद का जो समय है वह समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। ओवरऑल यू शुड यूज़ दिस टाइम बिकॉज एजुकेशन के लिए जो समय है वह सर्वश्रेष्ठ समय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइन्थ राशि, धनराशि। आपकी हेल्थ के लिए यह समय चैलेंजिंग टू गुड रहेगा। अप टू जनवरी एंड आप देखोगे कि आपकी हेल्थ में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन जैसे ही जनवरी का टाइम जाएगा आप देखोगे एज इफ बादल छट गए और सूर्य प्रकाश वापस आ गया। आपकी हेल्थ में जो कॉम्प्लिकेशंस थे, जो पिछले कई समय से चल रहे थे, उसमें से आपको राहत मिलेगी। एक तरह का नया जीवन आपको प्राप्त होगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज जो काफ़ी समय से चल रहे थे लाइक ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, उन सब में आपको आश्चर्यचकित होने वाले परिणाम मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर फरवरी तक आपने अपनी हेल्थ को संभाल लिया तो उसके बाद
किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं। दैट मीन्स दिवाली से लेकर फरवरी तक का टाइम आपको अपने आप को संभालना है, उसके बाद आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। अब अगर सर्जरी आवश्यक नहीं है तो हमारी सलाह है कि इस साल आपको सर्जरी आपकी डिले करके फरवरी तक ले जाना चाहिए। अगर आपकी शस्त्रक्रिया या सर्जरी फरवरी तक आपने डिले कर दी तो शायद उस तरह के परिणाम आपको मिले कि आपको सर्जरी करवानी ही न पड़े। इतने अच्छे ग्रह योग आपके आने जा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए जो टाइम है वह गुड टू बेस्ट है। जनवरी तक का जो टाइम है तब तक का टाइम आपके लिए गुड रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है वह काइंड ऑफ ए टाइम ऑफ योर लाइफ होगा। जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप वेट कर रहे थे कि आपको मिले, वह सब तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने चरितार्थ होती हुई आप देखोगे। इतना ही नहीं, अगर आप एक पार्टनरशिप के व्यवसाय में हो या आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो और किसी इन्वेस्टर्स की राह देख रहे हो, तो आप सुनिश्चित हो जाइए कि जनवरी के बाद का जो टाइम आ रहा है उसमें आपको वह निवेशक मिल जाएगा जो आपके आइडियाज़ में पैसे लगाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो भी अप्रैल के बाद का जो टाइम है वह टाइम आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो आपको मनचाहे पद की प्राप्ति होगी, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपको सुनिश्चित जो सैलरी राइज आपने चाहा था वह आपको प्राप्त होगा। एक तरह से आइदर आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी या फिर जिस तरह का समय आपको चाहिए था फाइनेंशियली वह समय इस साल आपको प्राप्त होगा, यह तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए यह समय जो है वह एवरेज टू गुड है। फरवरी तक का जो समय है वह समय के दौरान शायद कोई मतभेद हो, लेकिन फरवरी के बाद वह मतभेद रिजॉल्व हो जाएंगे और एक तरह का गुड फैमिली एनवायरनमेंट आपको प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, इस समय के दौरान हम देख रहे हैं कि आपके फैमिली में गैदरिंग होंगे, शुभ प्रसंग आयोजित किए जाएंगे और एक अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर बना रहेगा। अगर आप सिंगल हो और जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो अप्रैल के बाद का जो टाइम है वह आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति करवाएगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इस साल आप देखोगे कि फरवरी के बाद आप और आपके पार्टनर के साथ एक संवादपूर्ण और एक कर्टियस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती हुई आप देखोगे। एक तरह से रिलेशनशिप के लिए आप लक के ऊपर रिलाय भी कर सकते हो और रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा शुभ समय आता हुआ दिख रहा है। अगर आप संतति के लिए प्रयत्नशील हो तो मई के बाद का समय आपको शुभ समाचार देगा। नाउ सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि नवंबर से लेकर जनवरी तक का जो टाइम है तब आपको किसी भी व्यक्ति की लायबिलिटी खुद के ऊपर नहीं लेनी चाहिए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज उस व्यक्ति के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं रहेंगे, एल्स आपका समय अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय एवरेज टू बेस्ट रहने वाला है। आपका मार्च तक का जो समय है वह समय शायद एवरेज रिजल्ट दे। जितनी आपने एफर्ट्स डाली थी उससे शायद आपको 10 या 20% ज़्यादा रिजल्ट मिले, लेकिन जैसे ही अप्रैल मास ख़त्म होगा सो आफ्टर अप्रैल आप जितनी भी एफर्ट्स डालोगे उससे 50-60% आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो यू कैन रिलाय ऑन योर लक। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना पढ़ते हो, वह साइंस का हो, इंजीनियरिंग का हो,
मेडिसिन हो, फार्मास्यूटिकल हो, कॉमर्स हो, बिजनेस हो या आर्ट्स हो, एक बात तय है कि आप इस विक्रम संवत के दौरान जितना भी एफर्ट्स डालोगे उससे ज़्यादा परिणाम की प्राप्ति आपको होगी एंड यू कैन रिलाई ऑन योर लक। अगर आप उच्च अभ्यास के लिए प्रयत्नशील हो और प्रदेश जाना चाहते हो तो इस साल आपको अप्रैल के बाद उसमें सफलता मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10th राशि मकर राशि। मकर राशि की हेल्थ के लिए यह टाइम चैलेंजिंग टू एवरेज रहेगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसीज चल रहा है और वो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड या कॉमन डिसीज लाइक ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो अप टू फरवरी का जो टाइम है उसमें आपको संभालना होगा। अदरवाइज ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे कि दैट सिंपल डिसीज कैन लीड टूवर्ड्स मेजर डिसीज लाइक हार्ट फेल्योर और किडनी फेल्योर। लेकिन अगर फरवरी तक का टाइम निकल गया तो फरवरी के बाद आपको दवाइयाँ मिलनी स्टार्ट होगी, आपको एडिशनल हेल्प मिलना स्टार्ट होगी। इतना ही नहीं, आपको रेगुलर चेकअप भी इस संवत के दौरान करवाना होगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन लक, उसमें भी हार्ट और किडनी के लिए आपको सजग रहना होगा। इस विक्रम संवत में आपके एक्सीडेंट्स के प्रबल योग है, सो हमारी सलाह है कि यू शुड नॉट गो फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज़। उसमें भी अप्रैल टू सितंबर आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज और एक्सीडेंट्स के प्रबल योग है। ओवरऑल यह विक्रम संवत अगर आप रेगुलर फॉलोअप्स करोगे तो फरवरी के बाद आपको शुभ परिणाम देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए जो समय है वह समय एवरेज टू गुड रहेगा। जनवरी से लेकर नवंबर, दैट मीन्स अगली दिवाली आए तब तक का जो समय है वह समय आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देने वाला रहेगा। सो ओवरऑल 2023 का जो पूरा साल है विक्रम संवत का वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ रहे थे सालों से उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना स्टार्ट होगी। हालांकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी उन सबको आप प्रॉफिटेबल सर्कमस्टेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे और उसके कारण एक तरह का गिल्ट भी आपके मन में रहेगा। अगर आप खुद का व्यवसाय अगर आप कर रहे हो, यू आर हैविंग योर ओन बिजनेस, तो एक बात तय है कि अप्रैल के बाद का जो समय है उस समय के दौरान आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तब तक आपको बिजनेस में सेविंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप सैलराइज्ड हो, आइदर यू आर इन ए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ये जो साल है यह साल ग्रोथ का साल नहीं है, ये जो साल है वह साल अपने आप को सस्टेन करने का साल है। सो अगर आपको मनचाहा पद न मिले या मनचाही सैलरी राइज न मिले तो डिसअपॉइंटमेंट मत लाना, जो जॉब कर रहे हो वो कंटिन्यू करना। आप कोई साल स्पेकुलेशन से बच के रहना है, अदरवाइज बहुत बड़े नुकसान की प्राप्ति होगी ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। जो लॉन्ग टाइम डिस्प्यूट्स आपके चल रहे थे आप देखोगे कि इस साल वह खत्म हो रहे हैं। पारिवारिक मेल बढ़ेगा। अप्रैल से सितंबर के बीच फैमिली फंक्शंस होंगे और उसमें फैमिली गैदरिंग के कारण आपके आपसी जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप सिंगल हो और अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे हो तो अप टू अप्रैल 2023 तक का जो टाइम है वो आपको अच्छे परिणाम देगा। इसी समय के दौरान आप अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो तो आपको सुनिश्चित सफलता मिलेगी। अगेन जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आपसी जो आपका अगर कोई आपसी मतभेद है तो हमारी सलाह है कि इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी अगर आप और आपके पार्टनर
आमने सामने बैठ के बातचीत करके रिजोल्यूशन लाओगे तो समस्या हल होगी, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें और ख़राब होगी। अब लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये जो समय है वह समय एवरेज है। यह विक्रम संवत आपको ज़्यादा मेहनत करने का विक्रम संवत है। याद रहे, आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, इस विक्रम संवत आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप पासिंग मार्क के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप इस साल फेल होंगे, यह तय है। इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड वालों को 40% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। कॉमर्स और बिजनेस फील्ड वालों को वो जितना एफर्ट्स डालेंगे उतना परिणाम उनको मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जबकि आर्ट्स और अन्य लाइन में पढ़ने वाले लोगों को, उनको जो परिणाम चाहिए उससे 10-20% ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप उच्चतर अभ्यास के लिए प्रवृत्त हो तो अप टू अप्रैल वो टाइम बहुत ही अच्छा है, उसके बाद का समय आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देगा। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए प्रयत्नशील हो तो इस साल शायद आपको सफलता न मिले, आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप उच्चतर अभ्यास के लिए बाहर जाना चाहते हो या प्रदेश जाना चाहते हो तो हमारी सलाह है कि आपको वो प्रयत्न मई टू सितंबर के बीच ही करना चाहिए। बाकी के समय में आपको जिस तरह की सफलता चाहिए वह आपको नहीं मिलेगी और डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। ओवरऑल एजुकेशन के लिए इस साल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 11th राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि के हेल्थ के लिए यह समय चैलेंजिंग टू बैड रहेगा। इस संवत आपको ज़्यादा ही सावधान रहने की आवश्यकता है। एग्जिस्टिंग अगर आपको कोई डिसीज है तो वह एग्रीगेट होगा। इतना ही नहीं, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक 2023 में आपको एक्सीडेंट्स के भी योग बन रहे हैं। सो इस साल आपको कोई एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ENT रिलेटेड सर्जरी होने के भी चांसेस स्पष्ट दिख रहे हैं। अप्रैल टू सितंबर इन्फेक्शियस डिसीज होने के भी चांसेस हैं। और अगर आपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज लाइक ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ होने की भी संभावना इस संवत पूरी पूरी है। नॉट ओनली टिपिकल मेडिकल लाइन बट आपको अल्टरनेट मेडिकल लाइन्स लाइक आयुर्वेद या होम्योपैथी या योग मेडिटेशन, इसका भी लाभ लेना चाहिए। तब जाके आप हेल्थ में एक मीडियम योग प्राप्त कर पाओगे, अदरवाइज यह साल आपको बहुत सारी दिक्कतें देकर जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई देखोगे, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे और उसके कारण एक तरह का तनाव आपके ऊपर कायम बना रहेगा। इतना ही नहीं, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड लेस बेनिफिट वाला यह संवत रहने वाला है। उसमें भी अप्रैल 2023 से लेकर सितंबर का जो टाइम है वह समय बिजनेस में लॉसेस भी दिखा रहा है। यू कांट रिलाई ऑन अदर्स और यू कांट रिलाई ऑन अदर्स कमिटमेंट्स। सो आपको जो भी समय दिया जाता है वह समय आप आगे दूसरों को बताएं उससे पहले उसमें आपको मार्जिन रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई ये बताता है कि आपको वह डिलीवरी किसी चीज़ की 15 दिन के बाद देगा तो आपको आगे यह बताना चाहिए कि आप डिलीवरी दे पाओगे 1 महीने के बाद। इतना डबल मार्जिन आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको लॉस कम होगा और आपको अपकीर्ति भी कम मिलेगी। जॉब में आपको सावधान रहना होगा, अदरवाइज़ आपकी जॉब छूट भी सकती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है गलती किसकी थी, लेकिन अगर आप सजग नहीं रहे तो इस साल आपको शायद अनएम्प्लॉयड भी होना पड़े, उस तरह के योग बन रहे हैं। तो
ओवरऑल वेल्थ के लिए आपकी सेविंग ही आपकी इनकम है, ये आपको याद रखना है। तो जितना हो सके उतना कम खर्चा करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप के लिए ये समय एवरेज टू गुड रहने वाला है। हालांकि आपका समय अप्रैल तक थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद का जो टाइम है वो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फैमिली गैदरिंग्स भी होंगे, आपका सोशल सर्कल एनहांस भी होगा और मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप सिंगल हो और अगर आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति अप्रैल के बाद होगी। इस साल इस संवत आपको कौटुंबिक सुख मिलेगा, यह बात तय है। अगर आप संतान के लिए प्रयत्नशील हो तो भी अप्रैल 2023 के बाद का जो समय है वो समय आपके लिए अच्छे न्यूज़ लेकर आएगा। ओवरऑल यह समय पारिवारिक सुख देने वाला रहेगा, यह तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए समय गुड टू बेटर रहेगा। आपको मेहनत से ज़्यादा लाभ होगा, यह तय है। अगर आपने प्लानिंग करके अपने समय का सदुपयोग किया तो यह साल आने वाले कई सालों तक आपको याद रहेगा, उस तरह के परिणाम देगा। अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो आपको इस साल बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। अगर आप बिजनेस में या कॉमर्स में या आर्ट्स में रहोगे तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। ओवरऑल एजुकेशन के लिए यह संवत अच्छा फल देगा। अगर आप प्रदेश गमन करना चाहते हो, फॉरेन स्टडीज़ करना चाहते हो, तो यह साल आपके लिए अच्छे न्यूज़ लेकर आएगा। स्कॉलरशिप के लिए भी ओवरऑल यह समय अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाहरवीं राशि मीन राशि। मीन राशि की हेल्थ के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। फरवरी तक तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन फरवरी से लेकर या मार्च से लेकर जो जुलाई का टाइम है वह आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकता है। उसमें भी अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो वो ज़्यादा एग्रीगेट हो जाए वैसा दिख रहा है। एल्स जुलाई के बाद का जो टाइम है वह आपको राहत देने वाला रहेगा। लाइफस्टाइल में अगर आप चेंज लाने में सक्षम हुए तो आपको इस साल कोई बड़े रोग नहीं होंगे। जो एग्जिस्टिंग डिसीज है उसमें भी राहत जुलाई के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नए रोग होंगे नहीं और पुराने में राहत मिले, उस तरह के ग्रह योग इस संवत के दौरान बन रहे हैं। एक बात तय है और वो ये है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा, और अगर उस वह करने में आप समर्थ रहे तो यह समय अच्छा रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए यह समय गुड टू एवरेज रहेगा। अप्रैल तक का जो समय है वह समय आपके लिए गेम चेंजर की तरह काम करेगा। जो जो अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे थे वो सब आपको प्राप्त होगी। एग्जिस्टिंग जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखेगा, लेकिन मई के बाद आप थोड़ा बहुत स्लो डाउन महसूस करोगे। नुकसान नहीं होगा, सिर्फ स्लो डाउन होगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, आइदर यू आर इन ए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, अप्रैल तक का जो टाइम है वह टाइम आपको प्रमोशन भी देकर जाएगा और सैलरी में इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी देकर जाएगा। ओवरऑल वेल्थ के लिए यह समय अच्छा है। फ्यूचर प्लानिंग करने से आपको लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप किसी की सलाह को फॉलो करके, एक्सपर्ट की सलाह को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट भी आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप नाउ। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। अगर आप सिंगल हो और जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो मई तक का जो समय है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपके दाम्पत्य जीवन में वैसे तो कोई मतभेद होगा ही नहीं, लेकिन अगर मतभेद अभी चल रहा है तो आपको सुखद अंत आता हुआ दिखेगा। इतना ही नहीं,
फैमिली में बहुत सारे गैदरिंग्स होंगे और एक अच्छा फैमिली टाइम आप अच्छी तरह से व्यतीत कर पाओगे। सो ओवरऑल फैमिली गैदरिंग के लिए और फैमिली से मिलने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। संतान योग आपका अप टू अप्रैल बहुत ही प्रबल है, तो तब तक अगर आप ट्राई करोगे फ्रॉम दिवाली टू अप्रैल 2023 तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अटेंटिव नहीं रहे तो आपके संबंधों में मई के बाद थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा फैमिली टाइम जाएगा और आपका सोशल सर्कल जो है वह भी एनहांस होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहने वाला है। अप टू मई तक का जो समय है वह समय आपको मेहनत से ज़्यादा फल देने वाला रहेगा, लेकिन मई के बाद का जो समय है वह समय आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल देगा। साइंस और इंजीनियरिंग जो फील्ड में काम करने वाला है या मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल फील्ड में काम करने वाले पढ़ने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए यह समय श्रेष्ठ रहने वाला है, लेकिन जो लोग बिजनेस में या कॉमर्स में या आर्ट्स में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा बहुत एवरेज रहेगा। ओवरऑल जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि अप टू मई योर टाइम इज़ वेरी गुड और मई 2023 के बाद का जो समय है वो समय थोड़ा बहुत एवरेज है। अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो मई 2023 तक का समय आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। उसके बाद ट्राई करोगे तो थोड़ा डिले होगा और शायद डिसअपॉइंटमेंट भी मिले। स्कॉलरशिप और सम्मान आपको अप टू मई 2023 मिलेगा, यह तय है। अंत में हमारी सभी 12 राशियों को, दैट मीन्स हम सबको आने वाला यह संवत 2079 सुख शांति और समृद्धि दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु, प्रणाम।